जोहार, नमस्कार। रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो के सभी श्रोताओं का मैं डॉक्टर कमल बोस, अध्यक्ष हिंदी विभाग संत जेवियर कॉलेज रांची, हार्दिक स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हिंदी दिवस, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारी पहचान, हिंदी मेरी भाषा है, मेरी अभिव्यक्ति की भाषा है हिंदी। इस भाषा की ताकत को मैंने मन से माना है, मन से अपनाया है मैंने हिंदी को। बचपन से ही हिंदी के प्रति लगाव था। नवीं कक्षा में था तब स्कूल में आयोजित बड़े समारोह में हिंदी कविता पाठ करने का अवसर मिला। कार्यक्रमों आयोजनों में लगातार उद्घोषणा, विभिन्न अवसरों पर कमेंट्री आदि करने का भी मौका मिलता रहा। सबकी सराहना मिली, दोस्तों का साथ मिला, बड़ों का मार्गदर्शन मिला और तब से लगने लगा कि बड़ी हिंदी के साथ आगे बढ़ने पर बड़ा होने का अच्छा मौका मिलेगा। कॉलेज में आकर मेरी इच्छा को बल मिला। इंटर विज्ञान का विद्यार्थी था, स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा लेकर आगे की पढ़ाई करने का संकल्प लिया। अधिकांश ने मेरे निर्णय की सराहना की। हिंदी साहित्य और भाषा से जुड़ी मेरी गतिविधियों से वे परिचित थे, पर कुछ को मेरा यह निर्णय अपरिपक्व लगा। कहते, हिंदी पढ़कर क्या होगा। आज भी उनसे मिलता हूँ। हिंदी के कारण मिली मेरी सफलता से वे हालांकि आज खुश हैं और कहते कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना हमेशा सही होता है। मैं हिंदी का ऋणी हूँ। हिंदी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं कॉलेज में आया, हिंदी प्रतिष्ठा में काफ़ी कम विद्यार्थी थे, पर आज विभाग के सभी सहयोगियों के प्रयास एवं प्रभाव से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या सर्वाधिक है। सही बात का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हिंदी के संबंध में अनेक भ्रांत धारणाएं फैली हैं। हिंदी की ताकत व क्षमता को जाने बगैर लोग हिंदी को कमज़ोर मानते हैं। भाषा को ठीक से जानने के लिए उसके करीब जाना जरूरी है। करीबी से सोच की गरीबी दूर हो जाती है। हिंदी जीवन की भाषा है, जीवंत भाषा है, जीविका की भाषा है। हिंदी मेल जोल की भाषा है, जमीन से जुड़ी भाषा है, जनता की भाषा है। लोकल से ग्लोबल बन रही हिंदी के कारण विरोध, वैमनस्य, विवाद, अमानवीय कृत्य पूरी तरह निरर्थक हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की जड़ हिंदी में है। ये हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका है। हिंदी मनन, चिंतन, सूचन, लेखन एवं प्रेरण की मजबूत भाषा है। हिंदी मात्र भाषा नहीं अपितु आचार संहिता भी है। संस्कृति से उसे जो संस्कार मिला है उसका आधुनिक विकसित रूप हिंदी है। वही हमारी सामाजिक संस्कृति की संवाहक है। हिंदी के नज़दीक आइए, इसके अनेक रंग देखने को मिलेंगे, इसके अनेक रूप, अनेक शैलियों से आप रूबरू होंगे। इसकी विपुल साहित्य और समृद्ध शब्द भंडार से हम परिचित होंगे। हिंदी के संबंध में कुछ लोगों के मन में पल रही भ्रामक भूल धारणा दूर होगी और हम मानेंगे कि हिंदी अनवरत विस्तारित हो रही है और यह बहुसंख्यक लोगों की ताकतवर भाषा है। जुड़े हिंदी से, जोड़े हिंदी से। हिंदी है हम, है हिंदी हमारी, है हिंदी सब की। अपनाएं हिंदी को, अपना बनाएं हिंदी को। हिंदी के महत्व के आकलन का आधार यह नहीं हो सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को जगह मिली अथवा नहीं, हिंदी के विद्वानों को नोबेल पुरस्कार मिला या नहीं, हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है। पर हिंदी का महत्व इसलिए भी है कि हिंदी सब की भाषा है। हिंदी विविध व्यवहारों की भाषा है। हिंदी एक मीठी भाषा है। हिंदी नमकीन भाषा है। हिंदी शुद्ध भाषा है। हिंदी अशुद्ध भाषा भी है। हिंदी शहरी भाषा है। हिंदी देहाती भाषा है। हिंदी वो भाषा है जिसमें लोग अपने गधे से बातें करते हैं। हम घर में पालतू पशु पक्षियों से भी बातें करते हैं। इसमें गब्बर सिंह डराता है। इसमें फिल्मी सितारे संवाद बोलते हैं। गीतों की श्रृंखलाएं हमें रिझाती हैं। वैज्ञानिक बुद्धि का प्रयोग उपयोग करता है।
सूरदास कबीरदास जैसे असंख्य कविगण जीवन का दर्शन बांचते हैं, जिसमें किसान का दर्द बयां होता है, जिसमें पूजा अर्चना की जाती है, इसमें मीरा के मन की पीड़ा प्रवाहित होती है। सूरदास आदि कवि गोपियों के साथ प्रेम का इजहार करते हैं। यह मन बुद्धि श्रृंगार और अंगार की भाषा है। हिंदी दर्शन चिंतन और विमर्श की भाषा है। यह शोध की भाषा है, बोध की भाषा है, जीवन की भाषा है, जीवंत भाषा है। भाषा की पहचान केवल यही नहीं है कि इसमें कविता और कहानियों का सृजन कितनी सप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का अनिवार्य प्रतिफल यह है कि उसमें सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे धीरे विकसित हुई है और रोजी रोटी का माध्यम बनने की खूबियों के साथ भाषा का नया आयाम भी सामने आया है। यह नई भाषिक भूमिका भाषा की व्यवहारिक प्रयोजनमुखी चेतना से जुड़ी हुई है। हिंदी का व्यवहारिक रूप प्रयोजनमूलक स्वरूप अत्यंत व्यापक है। हिंदी व्यवहार एवं अनुप्रयुक्ति के हर इलाके में प्रवेश कर गई है और जीवन की विभिन्न जरूरतों की भाषा के रूप में विभिन्न प्रयोजनों को सिद्ध करने की सक्षमता के साथ सर्वस्वीकृत भाषा है हिंदी। हिंदी का भविष्य और भविष्य का हिंदी बहुत ही उज्ज्वल है, बहुत ही जीवंत है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियाँ अपनी ओर से। हिंदी दिवस हमें बताएं हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी है माथे की बिंदी, हर दिन का चंदन टीका, सरल सहज संवादों की भाषा, साहित्य की भाषा, कथा कहानी की भाषा, कविता की बहती भाषा है हिंदी, हम सब की हिंदी। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी के साहित्य गगन से मधुमय अमृत बरसे, हिंदी के साहित्य गगन से मधुमय अमृत बरसे, मन प्राण प्रफुल्लित कर जाए, भारतेंदु द्विवेदी प्रेमचंद का, महादेवी और निराला का जीवन का राग सुना है हम सब ने हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी साहित्य निराला, हिंदी साहित्य निराला, इसमें भारत दिख जाए, भारत का जन जन दिख जाए, दिख जाए समाज का सुख दुख। हिंदी साहित्य का इतिहास बताए, कहां से चले कहां तक पहुंचे और कहां तक जाना है। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ती हमें हिंदी, भारत के सांस्कृतिक इतिहास से जोड़ती हमें हिंदी। हिंदी का आधार बनकर हमें नूतन चेतना और ज्ञान समृद्धि देती हिंदी। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन। हिंदी दिवस संकल्प दिवस, हिंदी दिवस संकल्प दिवस, जीवन का आलोक दिवस। निशिदिन हिंदी, हिंदी निशिदिन, निशिदिन हिंदी, हिंदी निशिदिन। हिंदी में और रास रंग भरना है, हिंदी में और रास रंग भरना है, हिंदी में जीवन के पल पल को भरना है, अपनी धूप छाँव को लिखना है, हिंदी के सागर का मंथन करना है, नूतन चेतना का अमृत पान भी करना है। हिंदी साहित्य में मानवता का राग विराग भरा है, हिंदी साहित्य में मानवता का राग विराग भरा है, भारत का अनुराग भरा है, देश की अस्मिता भरी है, पहचान भरी है, देश की अस्मिता भरी है, पहचान भरी है। देश का दर्पण हिंदी, देश का दर्पण हिंदी, हम सब का पूर्ण समर्पण हिंदी। हिंदी दिवस हमें बताए हर दिन हिंदी, हिंदी हर दिन।